सिमिलर है, इसमें भी हमें सिर्फ एक्सीलरेशन रिलेट करना है दोनों की वेलोसिटी, V1 और V2 को जस्ट रिलेट करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और इस तरह से आप इतना सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फिर इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो ये कि स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक गई, इस वाले स्ट्रिंग में मैं मान लूँ बड़ी वाली स्ट्रिंग है, इसमें मैं टी मान लेता हूँ, इसमें मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है, तो इस वाले स्ट्रिंग में टी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा, 2T आ जाएगा, तो इसमें 2T आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे ब्लॉक पे 3T लग गया। ठीक है, 3T लग गया है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि -3TB1, ठीक है, -3TB1, और ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो +V1T दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि V1 इज इक्वल टू, ये V2 था ना, तो ये V2 था, एक्चुअली ये V2 था यार, तो अरे V2 कहाँ गए भाई, V2 तो ये, एक मिनट यार, तो ये जो है ये यहाँ से ये टू था, तो टू, इसका मतलब ये हुआ कि V2 इज इक्वल टू 3 times V1, जो कि प्लस आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर ही जा रहा होगा। ठीक है,